मनोज बाजपेयी को आई दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की याद, खोल दिया बॉलीवुड की पोल। वेल, दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर हर कोई आए दिन कुछ न कुछ कहता रहता है। ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कई हैशटैग रोज ट्रेंड होते हैं। इसी बीच मनोज बाजपेयी ने दिवंगत एक्टर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। दरअसल मनोज बाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड में होने वाली पॉलिटिक्स का पर्दाफाश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू में बात करते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स काफी ज्यादा है, जब आप आगे बढ़ते हो तो ये पॉलिटिक्स और गंदी हो जाती है। सुशांत इस पॉलिटिक्स को झेल नहीं पाए, उन्होंने इस प्रेशर को अपने दिमाग पर हावी होने दिया। मैंने इस प्रेशर को झेल लिया क्योंकि मैं जिद्दी था, मनोज बाजपेयी ने आगे कहा। सोन चिरैया की शूटिंग के वक्त हम काफी क्लोज हो गए थे, वो मेरा काफी सम्मान करता था। मैं सेट पर मटन बनाता था, वो बड़े चाव से उसे खाने आता था। मुझे नहीं पता था कि वो कभी ऐसा कदम उठा लेगा। वो अक्सर चुनौतियों के बारे में मुझसे बातें किया करता था। मैं एक मोटी चमड़ी वाला इंसान था, इसलिए इन परेशानी और चुनौतियों से पार पा सका। इतना ही नहीं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नेपोटिज्म पर मनोज बाजपेयी ने रिपोर्टेडली कहा, मैं नेपोटिज्म से कभी प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो फिल्में की वो एक स्टार किड नहीं कर सकता था। ये फिल्में मैं नहीं करता तो नवाजुद्दीन करता, इरफान करता। ये कोई कमर्शियल फिल्में नहीं थी, कोई भी उन फिल्मों पर पैसा नहीं लगाता। आप बार बार नेपोटिज्म के नाम पर बहसबाजी नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो थिएटर करिए, आपके अंदर टैलेंट होगा तो स्ट्रीट पर परफॉर्म करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। सुशांत के निधन के पीछे नेपोटिज्म का कितना गहरा प्रभाव था, इसका जवाब देते हुए मनोज बाजपेयी ने रिपोर्टेडली कहा, सुशांत एक स्टार बनना चाहता था। स्टार बनने के लिए आपको काफी लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, वहाँ कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा है। मेरी तरह बनने के लिए किसी पॉलिटिक्स से नहीं गुजरना पड़ता। जो कोई भी इंडस्ट्री में आता है वो स्टार की पोजीशन हासिल करना चाहता है। सुशांत एक साफ दिल का आदमी था, वो अंदर से बच्चा था, वो इंडस्ट्री की हेर फेर को समझ नहीं सका। वेल, मनोज बाजपेयी की बातों से साफ है कि अगर इंडस्ट्री में टिके रहना है तो पॉलिटिक्स का सामना करना ही होता है। जो इसे पार कर गया वो विजय, और जो नहीं वो पीछे रह जाता है। खैर, आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।